मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। मानसी आकृति, आज किस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हो तुम लोग? पुनरुत्थान काल पे फिर से डिस्कस करें। मैम, कौन सा था? आपने आपने या उस तुम दिन जो लोगों ने बोला जो कि पढ़ा मुझे हो, पढ़ना है, क्या कह रही हो मैम? मैम उस दिन जो आपने तीन टॉपिक बोले थे, मैम हाँ वो पढ़ लिए हैं। लॉरेंस की कला, मैम मैम, जितनी इंग्लिश भी मूर्ति कला की थी। मूर्ति कला है। मानसी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम, इंग्लैंड की गॉथिक कला, इटली की गॉथिक कला और जर्मन तथा मध्य की गॉथिक कला। ठीक है, मध्य यूरोप। ठीक है बेटा, तो हाँ, मध्य यूरोप। गॉथिक मूर्ति कला चल रहा था, है ना? गॉथिक स्कल्पचर। यस यस मैम। गॉथिक मूर्ति कला के बारे में पहले बताओ कोई। गॉथिक मूर्ति कला की मूल विषय क्या थे? गॉथिक बताओ मानसी। मैम, शिशु लिसा कुमारी का अभिनंदन और भव्य रूप, में ईसा और रथ पाप पर विजय, गॉथिक दर्शन तथा धर्म शास्त्र। हम इतने ही याद आ रहे हैं। आकृति तुम बताओ बेटा। गॉथिक मैम, गॉथिक मूर्ति कला के बारे में मुझे नहीं पता। क्या कह रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। आकृति मैम ये पढ़ा नहीं। ये क्या मतलब है? क्या पढ़ा था? अच्छा, जितना मैंने बोला बस उतना पार्ट पढ़ा, और तुमने और नहीं पढ़ा कि गौतिक मूर्ति कला के बारे में, इंग्लैंड की गौतिक मूर्ति कला पढ़ा है ना? ये कह रहे हो? जी मैम, ठीक है, चलो इंग्लैंड की गौतिक मूर्ति कला के बारे में बताओ। शैली की जो मूर्तियां हैं उनकी क्या विशेषता थी? गॉथिक बताओ आकृति। किस प्रकार की मूर्तियां बनाई है कलाकारों ने इंग्लैंड में? गॉथिक कलाकारों ने इंग्लैंड गॉथिक मैम, इसमें कुमारी का और शिशु के साथ चित्र बनाया गया था। और बताओ। और बताओ, पढ़ा तो है तुमने आकृति, और बताओ। अच्छा, तुमने जो पढ़ा है तुम वही बता दो, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। चलो मैम हिस्ट्री में हमें ज्यादा याद तो नहीं रहता, पर कुछ लाइन होती वो याद रहती। बेटा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा याद क्यों करना है, हमें तो समझना है।
करना है यार। तो कब तक करते हैं? जब तक हम 7th 8th तक पढ़ रहे होते हैं या हाई स्कूल तक पढ़ रहे होते हैं। हाई स्कूल के बाद याद करना छोड़ देना चाहिए। हम कितना ज्ञान उठा के रट लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके पास रटने की विद्या होती है बहुत आगे तक नहीं जा पाता है, जिसके पास समझने की विद्या होती है वो आगे तक जाता है। तो तुम लोग के अंदर समझने की क्षमता है और बहुत अच्छी है, तो याद करने की आवश्यकता आपको वैसे ही नहीं है। आप सिर्फ समझिए, ठीक है? और वो जितनी बार पढ़ोगे तभी तुमको समझ में आएगा। उसको रिपीट करो जितना, जैसे मैंने तुम लोगों से कहा कि इंग्लैंड की मूर्तिकला गॉथिक शैली में, इटली की मूर्तिकला गॉथिक शैली में, तो कम से कम तुमको 4 से 5 बार रिपीट कर लेते तुमको समझ में आ जाता। उसको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम याद क्यों करें? हम कितना कुछ याद करेंगे? ऐसा तो आर्ट की थ्योरी बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा। हम क्या क्या याद करें? नहीं है पॉसिबल याद करना, है ना? गुड ये आफ्टरनून अच्छी मैम। चीज है। गुड आफ्टरनून बेटा। तो ये कोई बुराई नहीं है कि मुझे याद नहीं होता है। अच्छा है, हाई स्कूल के बाद भूल जाइए चीजों को याद करना, बस समझने की कोशिश करो हर बात को, ठीक है? तुमने ओके मैम। जो भी पढ़ा तुम्हें बस इतना ही ध्यान में आ रहा है, क्यों आकृति? जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार लॉग आउट होके के फिर आ जाओ, फिर एडमिट करो। आप ठीक है आवाज? यस मैम। ठीक। आकृति क्लियर है? ठीक। ओके मैम। तो आप, तुमने जितना बताया बस तुमको इतना ही ध्यान आ रहा और तुम भूल गए हो आकृति। मैम इंग्लैंड में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड थे तो हमें याद ही नहीं रहा। कौन से टिपिकल वर्ड थे बेटा? कहाँ है टिपिकल वर्ड? कुछ टिपिकल नहीं है, सब बहुत आसान है। कहाँ है टिपिकल वर्ड बताओ मुझे। अभी क्लियर करते हैं उसको। मानसी तुमने पढ़ा है? यस मैम। हाँ तुम बताओ बेटा। मैम संपूर्ण भवनों को एक साथ दिखाने की प्रवृत्ति रही है। आकृतियों में गठनशीलता पर अलग से ध्यान नहीं दिया गया है, फिर भी कहीं कहीं संपूर्ण श्यामी शिल्प मिले मतलब बनाए हैं, और मुस्कुराते हुए देवदूतों, सामाजिक विषयों, अभिप्रायों का निरूपण, भयंकर पशुओं का निरूपण किया गया है। स्वाति, इंग्लैंड की गॉथिक मूर्तिकला विशेषता बताइए। इंग्लैंड की गॉथिक मूर्तिकला की विशेषता बताइए। मैम इसकी जो मूर्तियां होती थी वो बहुत बड़े आकार की होती थी, गुड। हाँ और मैम इसके जो छोटे छोटे पैनल भी निर्मित किए जाते थे, और इसमें जो उनके वस्त्र होते थे, आंख बाल और जो पृष्ठभूमि होती थी उसमें भी रंग लगाए जाते थे। ठीक है। और मैम यहाँ की मूर्तियां लोकप्रिय थी। प्रियंका तुम कुछ बताओगी, तुमने मैम यहाँ पढ़ा है? पे जो रंगीन अल्बास्टर शिल्प है वो मेन है। प्रियंका तुम कुछ बताओगे बेटा? यस मैम। बताओ।
तुम सैटरडे की क्लास में नहीं थी प्रियंका, ठीक यस है, मैम, यस मैम। पता नहीं होगा। तुमने आज क्या पढ़ा है? मैम हमने आकृति से पूछा था, उसने बताया था कि गौतिक मूर्तिकला के बारे में। आप ठीक, तुम बताओ थोड़ा बहुत। मैम यहाँ के जो क्या बोलते हैं फ्रेंच को, बहुत थोड़ा सा, बहुत लिमिटेड मैटर है। इंग्लैंड में जो गॉथिक शैली की मूर्तियां मिली हैं वो बड़े आकार की हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, वृहदाकार, भूल जाओ वृहदाकार, आपको शब्द नहीं याद होता है, लेकिन आपको पता है कि वृहदाकार को हम बड़ा आकार कहते हैं। गॉथिक शैली की जितनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो सभी बड़े आकार की हैं, मैम जो कला अभिरुचि के सूचक हैं, जो ये बताती हैं कि उस समय के कलाकार मूर्ति कला में कितनी अधिक रुचि रखते थे या कितना इंटरेस्ट रखते थे। स्तंभ प्रतिमाओं का अभाव है। स्तंभ प्रतिमा, स्तंभ का मतलब समझते हो? मैम बताओ स्तंभ किसे कहते हैं? पेयर्स को, यस मैम, नहीं पेयर्स भाई, मैम स्तंभ और मैम उसी को तो बोलते हैं। अच्छा आकृति तुम बताओ। खंभा, मानसी तुम बताओ। स्तंभ मैम नहीं पढ़ती। प्रतिमाओं का अभाव है, कहीं कहीं त्रिआयामी शिल्प प्राप्त होता। त्रिआयामी मतलब थ्री डायमेंशनल जो शिल्प बनाए जाते हैं, मूर्ति कला जो बनाई जाती है उसमें त्रिआयामी शिल्प प्राप्त होता है। 13वीं शती में हेनरी द्वितीय के संरक्षण में मुस्कुराते हुए देवदूत, सामाजिक विषय, भयंकर पशु और प्राचीन जितने भी विषय हैं, प्राचीन विषय पर कार्य किया गया। रंगीन अलाबास्टर, अलाबास्टर एक तरह का पत्थर होता है, रंगीन अलाबास्टर के द्वारा शिल्प बनाए गए, शिल्प यानी कि मूर्तियां। अलाबास्टर इंग्लिश कला की देन है, ठीक है। इससे बड़े आकार की मूर्तियां जो बनाई गई वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई और अन्य स्थानों पर भेजी गई, जिसके छोटे छोटे पैनल भी निर्मित किए गए, जिसमें वस्त्र, आंख और बाल तथा पृष्ठभूमि में रंग लगाए जाते थे। बस इतना तुम लोगों को पढ़ना था, इसमें तुम लोग क्यों कंफ्यूज हुए? बहुत सिंपल है आकृति, जो मैंने बोला तुम उसको रिपीट भी कर सकती हो कि इंग्लैंड में जो गॉथिक मूर्ति शिल्प पाया गया है वो बड़े आकार का है, मूर्तियां त्रिआयामी मिली हैं, स्तंभ प्रतिमाएं नहीं प्राप्त होती हैं या उनका अभाव है, हेनरी तृतीय के संरक्षण में 13वीं शती में हेनरी तृतीय के संरक्षण में मुस्कुराते हुए देवदूत, सामाजिक विषय और भयंकर पशु के साथ साथ प्राचीन विषय को भी मान्यता दी गई, ठीक है। शिल्प के लिए रंगीन अलाबास्टर का यूज किया गया। रंगीन अलाबास्टर एक प्रकार का मिनरल रॉक होता है, तो सॉफ्ट होता है। अलाबास्टर जो होता है वो एक सॉफ्ट पत्थर होता है। अलाबास्टर के द्वारा ज्यादातर मूर्तियां बनाई गई, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया आसानी से, और ये दूसरे स्थान पर भी जाकर के बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। छोटे छोटे पैनल में भी ये मूर्तियां निर्मित की गई, इनमें वस्त्र, आंख, बाल और पृष्ठभूमि में रंग लगाए जाते थे। अब इसमें तुमको क्या कठिन लगा? आकृति क्या शब्द कठिन था? मैम ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था मुझे तो तो। कैसा पढ़ा तुमने? मतलब तुम्हारे पास आकृति नोट्स नहीं है? बहुत सिंपल है ना, सही जी कह रही मैम, हूँ? आपने जो बताया ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर बुक में ऐसे सिंपल नहीं। है। देखो मैं नोट्स क्यों लिखाती हूँ, नोट्स लिखाया लेकिन उसको पढ़िए अपने तरीके से। नोट्स मैं इसलिए नहीं लिखाती हूँ कि सब एक ही जैसा याद करके बैठ जाओ। और मैंने अभी तुम लोग बताया याद करना जरूरी नहीं होता, उसको समझना जरूरी है। जब हमने समझ लिया तो हम उसको अपने शब्दों में आसानी से ढाल सकते हैं। अगर हमें समझ ही नहीं आया तो अपने शब्दों में ढालेंगे कैसे? फिर मजबूरी हो जाएगी कि हमें उसको याद ही करना है और वही शब्द लिखने हैं जो मैम ने लिखाया है।
और समझ में आ गया है तो आप अपने शब्दों में ढाल लेंगी। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगी तो आपकी थ्योरी दूसरों से अलग होगी, हमेशा डिफरेंट होगी, क्योंकि उसको आपने अपने शब्द दिए, नंबर भी अच्छे आएंगे और अलग आएंगे। ठीक है, जी ऐसा नहीं है कि ये बात किताब में नहीं लिखी, किताब में भी लिखी होगी, मैंने लिखाया है, मैं भी लिखाया है, तो मैं उसको पढ़ के नहीं बोल रही, मैं उसको अपने शब्दों में ढाल के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ शब्द तुम लोगों को लगे हों कठिन है, बृहद आकार है, तत्कालीन अभिरुचि है, ये शब्द तुम्हें नहीं याद हो रहा है। ठीक है, उनको हटा दीजिए, जो आपको सहज लगता है वो समझिए और उसको लिखिए। ठीक है, ओके। अब जर्मन तथा मध्य यूरोप में प्राप्त गॉथिक मूर्ति शिल्प के बारे में बताओ। कौन बताएगा? प्रियंका बताओ। यस मैम, इसमें मैम मैं छरहरी आकृतियां और छोटे छोटे सिकुड़नों वाले वस्त्र पाए गए हैं। और और मैम इसमें परिपक्व गॉथिक शैली का ही आरंभ है पूरा। और मैम इसमें खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई गई हैं, मतलब तुम बताओ आकृति। मध्य यूरोप में 14वीं सदी में गॉथिक का प्रभाव देखने को मिला था, और इसमें रेखाओं के द्वारा ज्यादा बनाया जाता था, और फैशन, परिप्रेक्ष्य का अभाव और रंगों की चमक इनकी कला की विशेषता रही है। तुम बताओ स्वाति। यस बताओ मैम। मैम यहाँ पे मैम जो रेखाएं थी उनको खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया था मैम, फिर भी कहीं कहीं इसमें कोमलता थी। और उपासना प्रधान शिल्प या मूर्ति में रेखा का प्रभाव अधिक नहीं था, मूर्तियों में व्यक्तिगत लक्षणों का अभाव था। जर्मन और मध्य यूरोप की जो गॉथिक मूर्ति कला थी वो रोमनस शैली का ही विकसित रूप थी, यानी कि रोमनस शैली के समन्वय से, मिश्रण से 13वीं सदी में जो शैली बहुत ज्यादा परिपक्व हुई, यानी कि बहुत ज्यादा विकसित हुई, उसी को जर्मन और मध्य यूरोप की गॉथिक शैली कहा गया। 14वीं सदी में आकृतियां भारी हो गई और खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाने लगा, फिर कभी कहीं 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 कोमल प्रभाव भी दिखाई देता है। उपासना प्रधान शिल्प या मूर्ति में रेखा का प्रभाव नहीं है, उपासना प्रधान शिल्प या मूर्ति में रेखा का प्रभाव अधिक नहीं है, मूर्तियों में व्यक्तिगत लक्षण का अभाव है, मतलब व्यक्तिगत लक्षण का अभाव। इस प्रकार की मूर्तियां शासक, पुजारी आदि की भी हैं। गॉथिक युग के अंत के साथ पुनरुत्थान युग का भी आरंभ हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? गॉथिक जो मूर्ति कला है जर्मन और मध्य यूरोप की, वो रोमनस्क मूर्ति कला का ही विकसित रूप है, जो 13वीं सदी से हमको दिखाई देती है या 13वीं सदी से उसका आरंभ माना जाता है। फिर आप बताएंगे खड़ी रेखाओं का अधिक प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं कोमल रेखाओं का अभाव भी हमको मिलता है या प्रभाव दिखाई देता है। उपासना प्रधान शिल्प और मूर्ति में रेखा का प्रभाव अधिक नहीं है, जहां पर उपासना प्रधान मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें रेखा का प्रभाव अधिक नहीं दिखाया गया है, मूर्तियों में व्यक्तिगत लक्षणों का अभाव है। इस प्रकार की मूर्तियां शासक, पुजारी आदि की भी है, बस इतना है। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से करोगे कि ओके रोमनस्क मूर्ति कला का विकसित रूप है जिसका प्रभाव हमें 13वीं सदी से देखने को मिलता है, फिर अपनी बात कहना आरंभ करना। ठीक है, ठीक ऐसा ही है इटली की गॉथिक मूर्ति कला, इसके बारे में बताइए। मानसी तुम बताओ।
मैम ये 13वीं सदी में ये स्टार्ट हुई थी और गौतिक प्रभाव मतलब लिया गया था इसमें पिसा की पवित्र कक्ष में भवन रोमनेस अच्छा, जो पीसा शब्द आया है, पीसा का मतलब क्या है? नहीं पता। पीसा होता है चर्च में बना हुआ मंच, जहां से पादरी प्रवचन देते हैं। प्रवचन जो मंच होता है उसको कहते हैं पीसा। ठीक है, पीसा की मीनार ना समझ लेना। ठीक है, ईसा के प्रवचन कक्ष। आगे बताओ। जियोनी पिसानो इस समय का प्रसिद्ध शिल्पी था और मूर्तियों में रतुलता और समग्र सूक्ष्म संयोजन हुआ है। और एक अन्य शिल्पी जियोनी दा क्या बोलेंगे इसको क्या बलुशियो। हाँ मैम बाल्दोशियो? हाँ मैम वो बहुत डिफिकल्ट लिखा है पढ़ नहीं पा रही मैम। इसने भी मतलब थोड़ा योगदान दिया है। युवानी द बाल्दोशियो ने पिसानो के कार्य की अनुकृति की। अनुकृति मतलब नकल की। ठीक है, आगे बताओ। ओके मैम अनुकृति मैम की किस जिनने समय? अभी इन्होंने हाँ, हम पीसा के कैथेड्रल तथा हेनरी स्टन के समक्ष पर कार्य करने वाले शिल्पी जैसे टियोने डी कैमिनो एंड्रे पिसानो भी थे। उन्होंने जियोटो पे दर्श योजनाओं का आधार लेकर शिल्प देखो ये ध्यान रखना, इटली की जो गॉथिक मूर्ति कला है, मूर्ति कला जो है इटली की बहुत फेमस है। तो जब इटली की मूर्ति कला की बात आती है तो इटली के दो प्रसिद्ध मूर्तिकार आते हैं, जियोवानी पिसानो और आंद्रिया आर्केना। उसके अलावा घिबर्ती। ठीक है, ये ध्यान रखना, इटली की गॉथिक मूर्ति कला में किसका नाम प्रमुख है? जियोवानी पिसानो, आंद्रिया आर्केना और घिबर्ती। अब इटली की कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में बताओ। यहाँ के शिल्प में 13वीं शती के उत्तरार्ध में फ्रेंच गॉथिक प्रभाव स्वीकार किया गया। पीसा के प्रवचन कक्ष में रोमनस भवन है। पीसा मैंने तुम लोग बताया, पीसा वह स्थान है जहाँ से पादरी जो है प्रवचन देता है। स्तंभों और मेहराबों में आरंभिक स्तंभों और मेहराबों में आरंभिक फ्रेंच गॉथिक प्रभाव है। अधिकांश प्रतिमाओं में बाइजेंटाइन रूढ़ियां हैं। जैसे तुम लोग रोमनस शैली पढ़ रहे हो, गॉथिक शैली पढ़ रहे हो, रोमन शैली पढ़ रहे हो, वैसे ही बाइजेंटाइन शैली भी है। तो इटली की जो गॉथिक मूर्ति कला है उसमें हमें बाइजेंटाइन शैली की झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बाइजेंटाइन के जो झलक से वो या उसके जो नियम है उससे इटली की गॉथिक मूर्ति कला बाहर नहीं आ पाई। इसके दो प्रमुख कलाकार हैं, जियोवानी पिसानो और आंद्रिया आर्केना। अब जियोवानी पिसानो किस समय का सबसे प्रसिद्ध शिल्पी था? उसने पिसानो के कार्य की इस समय कई समकालीन शिल्पकारों का, जियोवानी पिसानो के साथ बहुत सारे शिल्पकारों का काम अच्छा था, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जियोवानी पिसानो स्वयं था, जिसने आंद्रिया पिसानो उल्लेखनीय है। उसने रिलीफ में कार्य किया। रिलीफ समझते ही हो तुम लोग, रिलीफ किसे कहते हैं? मानसी, रिलीफ का मतलब क्या होता है? मैम किसका
रिलीफ रीस पढ़ा होगा, रिलीफ, हाई रिलीफ, लो रिलीफ, क्या होता है? मैम उकेरना। हाँ तो प्रेरणा, तो रिलीफ का मतलब क्या हुआ? मैम रिलीफ का मतलब उभरा हुआ। हाँ हाँ, जब हम दीवार पे मानते भित्ति चित्र बनाते हैं, जब हम हल्का उकेर करके उसको उभार देते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलीफ। उसी में होता है हाई रिलीफ और लो रिलीफ। जब हम ज्यादा उभार देते हैं तो वो होता है हाई रिलीफ, जब कम उभार देते हैं तो उसको कहते हैं लो रिलीफ। तो उसने लो रिलीफ में काट दिया। ये ध्यान रखना, जियोवानी पिसानो के समय बहुत सारे मूर्तिकार थे, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जियोवानी पिसानो स्वयं था, और उसने रिलीफ पद्धति में कार्य किया है। उसके दृश्य योजनाओं में रिक्त पृष्ठभूमि, मतलब उसने जो दृश्य बनाए हैं तो उसमें खाली स्थान उसने बहुत ज्यादा छोड़ा है। जितने भी उसने चित्र बनाए हैं, दृश्य बनाए, उसमें खाली स्थान बहुत ज्यादा छोड़ा है, जो गोथिक और शास्त्रीय पद्धति पर ही आधारित है। उसने कुछ ऐसा नया नहीं किया जो गोथिक पद्धति पर ही आधारित है। बस इतना जानना जरूरी है तुम्हें जियोवानी पिसानो के बारे में। फिर आंद्रिया आर्केना, आंद्रिया आर्केना चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, आंद्रिया आर्केना चित्रकार भी था और मूर्तिकार भी था। वह चित्रों को मूर्ति शिल्प में अनुकृत कर देता था, मतलब कोई भी चित्र देख करके उसकी मूर्ति बना देता था। उसके अंदर ये गुण था कि कोई भी दृश्य उसको दिखा दिया जाए तो उसको मूर्त रूप में वह ढाल देता था। दृश्य संयोजन में भ्रम के प्रभाव के साथ साथ मंच जैसा वातावरण दर्शाने का गुण आंद्रिया आर्केना में था। वो किसी भी दृश्य को इस तरह दर्शाता था कि जैसे वो पूरा एक मंच जैसा प्रतीत होने लगता था। उसकी आकृतियों में घनत्व, आकृतियों में घनत्व मतलब एक ही चित्र में, एक ही दृश्य में बहुत सारी आकृतियां डाल देता था, तो उसको कहते हैं आकृतियों में घनत्व। भारीपन और कठोरता है इस विशेषता का अन्य मूर्तिकार जो धातु ढलाई करते थे उन पर व्यापक पड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें घिबर्ती का नाम भी सम्मिलित है। तो आंद्रिया आर्केना के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि आंद्रिया आर्केना चित्रकार के साथ साथ बहुत बड़ा मूर्तिकार भी था। वो किसी भी चित्र को देख करके उसको मूर्ति में अभिव्यक्त कर देता था, या किसी भी दृश्य को या किसी भी कथा को इस तरह व्यक्त करता था कि वो पूरा पूरा एक मंच की तरह प्रतीत होता था। और उसने आकृतियां इस प्रकार बनाई हैं कि उसमें घनत्व प्रतीत होता है, मतलब एक ही दृश्य में बहुत सारी आकृतियां डाल देना आंद्रिया आर्केना का गुण था। ठीक है, उसके बाद कौन से कलाकार आते हैं? घिबर्ती। घिबर्ती रोमनस व बाइजेंटाइन शैलियां भी साथ साथ इन्हीं के चलती रहीं। घिबर्ती के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है मेरे पास। घिबर्ती 14वीं शती के अंत में वेनिस का प्रभाव कम हो गया और फ्लोरेंस का प्रभाव बढ़ गया। घिबर्ती के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है तो घिबर्ती रहने देना, यही दोनों कलाकार रहने दो इटली में, जियोवानी पिसानो और आंद्रिया आर्केना। ठीक है, तो इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है, बस इतना पढ़ लेना, इतना समझ लेना, वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम, बताओ आंद्रिया आर्केना के बारे में बताओ, मैंने क्या बताया अभी? आंद्रिया आर्केना बहुत अच्छा चित्रकार था और साथ ही साथ बहुत अच्छा मूर्तिकार भी था। मूर्तिशिल्प ठीक है, मूर्तिकार भी था। और क्या बताया मैंने? उसको किसी भी दृश्य मैम, में भ्रम का प्रभाव उत्पन्न करना अच्छा लगता था। किसी भी चित्र को देख करके वो उसको मूर्त रूप में ढाल लेता था। उसके लिए एक आसान प्रक्रिया थी, किसी भी दृश्य या किसी भी कथा को वो इस तरह प्रस्तुत करता था जैसे कि वो पूरा मंच हो। और बताओ, और क्या बताया मैंने बताओ? और मैम इनकी आकृतियों में घनत्व, भारीपन और कठोरता का कठोरता है, अभाव मिला है। इस विशेषता का प्रभाव अनेक मूर्तिकारों पर पड़ा, खास खास करके जो धातु ढलाई धातु करते थे उनके ऊपर पड़ा, जिसमें विशेष नाम घिबर्ती का आता है। ठीक बढ़ती है, करता है। घिबर्ती का आता है।
और इसके पहले थे जियोवानी पिसानो। जियोवानी के बारे में मैंने क्या बताया कि वो इस समय का इटली में गॉथिक मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध शिल्पी था, ठीक है। उसने कई समकालीन शिल्पकारों उसका काम कई समकालीन शिल्पकारों से बहुत अच्छा था, जिनमें आंद्रिया पिसानो उल्लेखनीय, मतलब उसका कार्य आंद्रिया पिसानो से भी अच्छा था। उसने रिलीफ पद्धति में कार्य किया, उसकी दृश्य योजना रिक्त पृष्ठ भूमि है, मतलब वो जो है खाली स्थान बहुत अधिक होता था, परंतु यह गॉथिक मूर्तिकला का विशेष गुण था। समझ में आया? दोनों को आप अलग कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, आराम से कर लोगे। तुमको अब टफ लग रहा है आकृति? जी अब समझ में आ रहा है? तो जी जो भी थ्योरी हो उसको अपने तरीके से पढ़ो, जब तुम रटने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं समझ में आएगी बेटा। मेन मेन किसी भी आर्टिस्ट के बारे में जब पढ़ते हो तो उसके मेन पॉइंट्स निकालिए, और दूसरा आर्टिस्ट फिर उसके साथ आता है तो उसके और उसके काम को कंपेयर करिए। जब तुम कंपेयर करोगी तभी तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो हम जियोवानी की जगह आंद्रिया अर्केना लिख देंगे, आंद्रिया अर्केना की जगह जियोवानी का काम लिख देंगे। तो हमें हर कलाकार के गुण के बारे में पता होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी है, उसने किस तरह का काम किया, कैसा काम वो पसंद करता था, ये जानना जरूरी है। और एक लाइन भी अगर आपको याद रही उस आर्टिस्ट की तो उससे सारी लाइनें अपने आप जुड़ जाती है, ठीक है। मैम, बेटा वास्तुशिल्प का मतलब क्या होता है? वास्तुशिल्प, एक होती है मूर्तिकला, एक होती है वास्तुकला। वास्तु वास्तुशिल्प तो वो हो गया आपका, वास्तुशिल्प कह रहे हो ना कि यस मैम, वास्तुशिल्प के बारे में। वास्तुकला। मैम, वास्तुशिल्प के बारे में। वास्तुशिल्प, वास्तुकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, वास्तुकला बोलते हैं, जैसे हमारा होता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है जो कहीं स्थापित हो, ठीक है। वास्तुकला का मतलब होता है जो वास्तुशिल्प करे ना, जो स्थाप जी मतलब जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, उसको तो हम वास्तुशिल्प कहते हैं। ओके स्थापत्य में आता है जो स्थापित हो गया, जो हमेशा वैसे ही बना रहेगा, वो कभी खराब नहीं होगा, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन वास्तुशिल्प में जो बनाते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, वो बहुत समय के लिए नहीं होता, वो समय के साथ खराब हो जाता है। उसमें मान लीजिए जैसे आपने बांस का घर बना लिया, या जानवरों का बाड़ा बना लिया, या फूस की झोपड़ी बना ली, ये सब भी अच्छा, वास्तुशिल्प में आता है। वास्तुशिल्प में जो भी ओके कार्य होता है वो ड्यूरेबल नहीं होता, मतलब अधिक समय के लिए नहीं होता है, नहीं, और एक ही स्थान पर जैसे स्थापित कर दिया तो वो हमेशा वहां बना नहीं रहता, उसको हम वास्तुशिल्प जल्दी कहते टूट हैं। जाता है या हाँ समथिंग ऐसी। हाँ तो वास्तुशिल्प स्थापत्य शिल्प मतलब स्थापत्य का ही एक रूप है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ये मैंने तुम लोग को इतना समझाया, इतना समझ में आ गया, ठीक यस मैम। है। गौतिक मूर्तिकला पे तुम लोगों ने आज डिस्कस नहीं किया। गौतिक युग की मूर्तिकला में अलंकारिक भाव को छोड़कर प्राकृतिक विषय पर ध्यान दिया गया है, ये ध्यान रखना। वनस्पति के विभिन्न रूपों को व्यक्त किया गया है, रिलीफ के द्वारा आकृतियां अलग अलग प्रतीत होती थी, कलाकारों ने हाई रिलीफ का प्रयोग किया। रिलीफ अभी किसका, किस कलाकार की बात कर रहे थे हम लोग, कौन रिलीफ पे कार्य करता है, नाम आपके लिया था। अंदर हाँ, तो रिलीफ पद्धति पे इन्होंने काम किया, खास करके हाई रिलीफ। हाई रिलीफ मतलब ज्यादा उभारदार आकृतियों पर उन्होंने कार्य किया, शरीर की अलग अलग भंगिमाओं को प्रस्तुत करना आरंभ किया, फिर भी आकृतियां सामान्य दिखाई देती। भंगिमाओं मतलब अलग अलग प्रपोर्शन में खड़े होना, अलग अलग प्रपोर्शन में खड़े होने को ही, या बैठने को ही, या लेटने को ही भंगिमा कहते हैं। अलग अलग भंगिमाओं को प्रस्तुत करना आरंभ किया, फिर भी आकृतियां सामान्य दिखाई देती हैं, असामान्य नहीं दिखती हैं, सामान्य दिखाई देती हैं।
व्यक्तिगत विशेषताएं उभर कर सामने नहीं आती हैं। गुंबद का अलंकरण भी रिलीफ पद्धति में ही किया गया है, मतलब जो गुंबद बनाए गए हैं उनमें भी रिलीफ का काम हुआ है। आरंभ में मूर्तियां अधिक लंबी और कठोर थी, धीरे धीरे वह सुदृढ़ होती गई। तो इतनी लाइन में मेन पॉइंट आपका क्या है? मेन पॉइंट यही है कि इन्होंने प्राकृतिक विषय पर ध्यान दिया है, अलंकारिक भाव को छोड़ दिया, ठीक है, हाई रिलीफ पद्धति पे काम किया है और शरीर की अलग अलग भंगिमाओं को दिखाने का प्रयास किया है, फिर भी आकृतियां सामान्य दिखाई देती हैं। गुंबद का अलंकरण भी रिलीफ पद्धति में ही किया गया है। इतना पॉइंट ध्यान रखना तुम लोग, इससे ज्यादा अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। विषय क्या है? शिशु ईसा, कुमारी का अभिनंदन, भव्य रूप में ईसा, पाप पर विजय, ऋतु चर्चा, राशियां, दर्शन आदि भाव व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया। भौतिक मूर्तिकारों का मानना था कि ये समस्त सृष्टि ईश्वर की सत्ता है। ये मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि उन्होंने क्या माना था कि मानव का ईश्वर से संबंध दिखाया गया है। पढ़ाया था कहीं पे? तो भौतिक मूर्तिकारों का मानना था कि ये समस्त सृष्टि ईश्वर की सत्ता है। 15वीं सदी में इसमें नाटकीयता और रहस्यात्मकता का भी समावेश हो गया। वस्तुओं की सिकुड़न में वास्तविकता की झलक है। धर्म अधिकारियों व संरक्षकों की प्रतिमाओं में यह प्रयास किया गया है। ईसा मसीह का जीवन विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त बीमारी, मृत्यु से रक्षा करने वाले संत की प्रतिमाएं भी बनी। ये ध्यान रखना कि चाहे गॉथिक शैली हो, चाहे रोमनस शैली हो, चाहे रोमन हो, चाहे पुनर्जागरण काल हो, आपको ये बताना है कि जितने भी चित्र, जितने भी भित्ति चित्रकला, जितने भी मूर्तियां बनी हैं वो ईसा मसीह के जीवन से ही संबंधित है। तो आप अपने आप विचार डालें, ईसा मसीह का जीवन गाथा, ईसा मसीह का जन्म, कुमारी, मरियम, ये अपने आप लिख दीजिए, ठीक है? ठीक है मैम। और उनके प्रमुख संत, उनकी प्रतिमाएं, यदि हम फ्रांस की आरंभिक गोथिक मूर्ति कला को देखें तो उसमें रोमनस्क मूर्तियों का प्रभाव है, क्योंकि रोमनस का ही विकसित रूप गॉथिक कला है। तो ये ध्यान रखना कि गॉथिक कला रोमनस का ही विकसित रूप है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट डालना है कि जब हम गॉथिक मूर्ति कला या भित्ति चित्रकला देखते हैं तो वह उसमें रोमनस कला का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं, या उसकी झलक हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका लाइन बढ़ाते जाएंगे। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी कि गौथिक मूर्ति कला में रिलीफ पे काम किया गया है, अलंकारिकता को छोड़ करके प्राकृतिक चित्र बनाए गए हैं, हाई रिलीफ काम हुआ है, जो गुंबद बनाए गए हैं वो भी रिलीफ में बनाए गए हैं, आकृतियों की अलग अलग भंगिमाएं दर्शाई गई हैं, फिर भी वो सहज प्रतीत होती हैं, ठीक है? पर जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, कि शिशु ईसा, कुमारी, भव्य रूप में ईसा, ईसा के संत, ये सारे विषय डाल दीजिए। फिर आप ये बताइए कि गौथिक जो मूर्ति कला है या भित्ति चित्रकला है वो रोमनस का उसमें रूप या झलक हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि गौथिक मूर्ति कला या भित्ति चित्रकला रोमनस शैली का ही विकसित रूप है, ठीक है? तो ये पॉइंट जब तुम जानोगे तो उसमें अपने लाइन अपने आप बढ़ा सकते हो। इतना तुम लोग के लिए ओके मैम। जानकारी आवश्यक है। हाँ स्वाति, क्या कह रही हो स्वाति? मैम कुछ नहीं। आकृति समझ में आया? जी मैम। इस तरह से पढ़ाई किया करो आकृति, ठीक है? मेन मेन पॉइंट्स उठाइए, आप पूरी थ्योरी मत उठाइए, आप किताब से भी पढ़ रही हैं, पूरी थ्योरी उठाने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए कि गौतिक मूर्ति कला हम पढ़ रहे हैं तो उसमें विशेष क्या है, विशेष क्या है, अंडरलाइन किया और उसको पढ़ लिया और उसको फिर अपने तरीके से लिखा हमने। तुम लोग उस तरह से पढ़ाई नहीं करते, जैसे तुम लोगों ने तैयार कर लिया गौतिक मूर्ति कला, फिर उसको लिखो कॉपी में, देखो कि हमने पढ़ा है, हमने समझा, हम उसमें कितना लिख सकते हैं, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। हम लोगों ने हमेशा एग्जाम की तैयारी ऐसे ही करी है कि थ्योरी पढ़ ली और उस पॉइंट को फिर लिखा,
अपने तरीके से, तब हमें समझ में आया कि हमने कितना समझा और कितना नहीं समझा है। जैसे आज गौतिक मूर्ति कला की बात हुई है, अब अपने आप से एक बार पढ़ लेना और उसको एक रफ कॉपी में लिख डालना, देखना कि तुम्हें कितना समझ में आया है। एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़नी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने एक पॉइंट लिखा फिर दूसरे दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट लिखने लगे। सारे लाइंस एक दूसरे से जुड़ने जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जी कल क्या पढ़ोगे तुम लोग? कल किस पर डिस्कशन होगा? पुनर्जागरण काल तुम लोग को पढ़ा रहे थे, पुनरुत्थान काल। पुनरुत्थान काल हो गया था कि अभी कराना है तुम लोगों को? हम आपने उस दिन कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो हम लोगों ने ज्यादा आंसर नहीं दे पाए थे, तो आपने बोला था दोबारा फिर से करा दे। तो पुनरुत्थान पे कल हम लोग फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक ठीक है, है, ओके। जैसे बता रही हूँ वैसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये याद करना है कि वे रोमनस शैली कब विकसित हुई, गॉथिक शैली कब विकसित हुई, रोमन शैली कब विकसित हुई, पुनरुत्थान काल कब से कब तक रहा, ये पॉइंट्स आपको याद करना होगा, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और चीजें समझिए बस। ठीक है, ठीक ओके मैम, है, चलो आज क्लास ओवर करते हैं, तुम लोग लॉग आउट कर दो। थैंक यू मैम। ओके कल थैंक यू इसी मैम। टाइम पे क्लास लें, 3 बजे? ठीक हाँ मैम, इसी समय ले लीजिएगा। है, ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। ओके ओके।